Hello everyone, welcome back. So today's topic is places of vowel. Vowels हम कैसे place करते हैं consonants के साथ, हम इस video में ये समझेंगे. तो guys शुरू करते हैं हमारा आज का topic places of vowels. So vowels के तीन place पे हम इन्हें place करते हैं. First है first place vowel, सेकेंड है सेकेंड प्लेस वॉवल और थर्ड प्लेस वॉवल. तो पहले हम फर्स्ट प्लेस वॉवल का रूल समझते हैं. व्हेन द फर्स्ट वॉवल इन अ वर्ड इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल द आउटलाइन इज रिटन इन फर्स्ट पोजीशन दैट इज अबव द लाइन. तो जो हमारा एक वर्ड है उसमें जो पहला वॉवल आ रहा है अगर वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो अबव द लाइन आउटलाइन बनेगी उसकी. तो इसको समझने के लिए हम वन बाय वन उसके साथ समझते हैं वॉवल्स के साथ. लॉन्ग आ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पा, पा इज अ आ साउंड. तो पी की आउटलाइन अबव द लाइन एंड डार्क डॉट ऑन फर्स्ट प्लेस दैट इज पा. नेक्स्ट एग्जांपल मा, एम की आउटलाइन अबव द लाइन एंड फर्स्ट प्लेस पे आ दैट इज मा. नेक्स्ट इज काम, के एम की के एंड एम की आउटलाइन एंड डार्क डॉट दैट इज काम. नेक्स्ट इज पाम, सो ये गाइज बहुत ईजी हैं प्लेसेस ऑफ वॉवल. जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजी लगेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन दैट इज शॉर्ट आ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट. फॉर एग्जांपल हमें लिखना है एट, इसमें ए की छोटी साउंड आ रही है तो टी एंड फर्स्ट प्लेस पे आगे आगे आ रही है एट की साउंड टी से तो आगे लगेगा. सिमिलरली एड, डी एंड ए की साउंड फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट. हम लिखेंगे पाथ, पी एंड इथ. नाउ पैक, पै एंड के. नाउ वी राइट बैक, बी की आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे वॉवल एंड के दैट इज बैक. तो हमारा आता है अब दो वॉवल वाला, अवे लिखना है हमें. अ पहले आ रहा है फर्स्ट प्लेस का वॉवल तो हमारी आउटलाइन भी अबव द लाइन बनेगी और वे उसमें डार्क डॉट लगेगा ए के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल इज डैमेज, डै ए की साउंड एम एंड जे दैट इज डैमेज. हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने दैट इज लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश. तो अभी हम ये सारे फर्स्ट प्लेस के लिए एग्जांपल्स दे रहे हैं गाइस. तो हम एग्जांपल लेते हैं सॉ, सॉ ओ एस की आउटलाइन अबव द लाइन एंड फर्स्ट प्लेस पे ओ का डैश हैवी डैश दैट इज सॉ. नेक्स्ट हम लेते हैं लॉ, एल एंड हैवी डैश ऑन द फर्स्ट प्लेस दैट इज लॉ. नेक्स्ट इज बॉल, बी की आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे डैश एंड एल दैट इज बॉल. नेक्स्ट इज बॉट, बॉ बी की आउटलाइन अबव द लाइन ओ देन टी दैट इज बॉट. नेक्स्ट इज टॉक, टी ओ का डैश देन के दैट इज टॉक. अब आते हैं दो वॉवल वाले पे एग्जाम्पल पे दैट इज ऑटो, ओ का डैश फर्स्ट प्लेस पे टी के देन टो के लिए नेक्स्ट डैश
सो गाइस ये हो गए हमारे हैवी डैश ओ के एग्जांपल। हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज शॉर्ट ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश। वो था ओ, ये था ओ ओ ओके। हम बोलेंगे टॉप, हमने बहुत ईजिली बोल दिया जल्दी से, हमें इसमें फोर्स नहीं लगाना पड़ा, तो दैट इज लाइट डैश और दैट इज टॉप। अब हम एग्जाम्पल लेंगे ऑड, हम लेंगे एग्जाम्पल डॉग, डी ओ का स्मॉल डैश एंड जी। नेक्स्ट इज जॉब, जे लाइट डैश बी, दैट इज जॉब। नेक्स्ट इज ऑफ, ओ का डैश क्योंकि ओ की साउंड पहले आ रही है, देन एफ। नेक्स्ट इज लॉन्ग, एल एंड एंग एंड लाइट डैश लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉश, वे लाइट डैश दैट मीन्स वॉ देन इश वॉश। सो गाइज फर्स्ट प्लेस वॉवल के हमारे बिल्कुल चार वॉवल्स के साथ हमने उसको विद एग्जाम्पल्स ख़त्म किया है। आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट सेकेंड प्लेस वॉवल कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए उसका रूल विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेन अ सेकेंड प्लेस वॉवल इज़ द फर्स्ट प्लेस फर्स्ट वॉवल इन अ वर्ड, द आउटलाइन इज रिटन इन अ सेकेंड पोजिशन दैट इज ऑन द लाइन। सो गाइज इसके जो भी आउटलाइन बनेंगी सेकेंड प्लेस वॉवल की ऑन द लाइन बनती हैं। हम इसको विद एग्जाम्पल्स समझते हैं। हमें लिखना है गेट, हमें ऑन द लाइन जी एंड टी, जी एंड वॉवल एंड टी दैट इज गेट। जी हमारा ऑलरेडी एक स्लीपिंग लाइन है तो उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है अगर वो ऑन द लाइन हो या थ्रू द लाइन हो, इसलिए इनफ एन ऑन द लाइन देन अफ इनफ। नेक्स्ट इज मंडे, म एन डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मंथ, एम अ की साउंड आ रही है, म सेकेंड प्लेस ओवर एन एन इथ दैट इज मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एनवेलप, एन ए की साउंड सेकेंड प्लेस ओवर एन वी एल अप और पी एन वे, वे के बाद ई की साउंड आ रही है वॉवल एनवेलप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कप, क के की आउटलाइन, अ के लिए लाइट डैश एंड पी ऑन द लाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेग, एल ले ए की साउंड सेकेंड प्लेस ओवल एंड जी दैट इज लेग। सो गाइस हमारे जो ये वाला कमिंग एग्जाम्पल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, विच इज़ डेट। हम इसकी स्पेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, स्पेलिंग हमें खुद आनी चाहिए इसके लिए, तो है डेट। इसमें आ रहा है बी बट हम साउंड साउंड लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, डी वॉवल एंड टी। तो नेक्स्ट इज कोल, कोल कैसे बनाएंगे हम, को ओ एल, ओ का वॉवल एंड देन एल। नेक्स्ट एग्जांपल इज टेक, टी ए के टेक। सो गाइस इसी तरह हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल एंड सेकंड प्लेस वॉवल ख़त्म होते हैं यहीं पर। थर्ड प्लेस वॉवल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ जिससे आपको ईजी समझने में। थैंक यू वेरी मच।